नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं बदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। गणपत बप्पा मोरिया, अब ये क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि आज का जो डिश है ना, वो गणेश जी का मोस्ट फेवरेट डिश है। वो क्या है? मोदक। यस, आज मैं आप लोगों के साथ एकदम इजी सिंपल सा फ्राइड मोदक बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अच्छा, मेरे चैनल पे जो एकदम ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं मोदक, चावल के आटे का स्टफिंग करके स्टीम करते हैं ना मोदक, उसकी रेसिपी चाहिए ना तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया और आसान तरीका है उसका भी बनाने का, और ये तो आप अभी देखेंगे ही। अब गणेश जी घर पे, गणेश जी का त्यौहार आ रहा है, गणेश जी घर पे लाते हैं लोग, डेढ़ दो दिन, सात दिन, ग्यारह दिन ऐसे करके बिठाते हैं, तो रोज़ रोज़ नए नए आप पकवान बना के चढ़ाते हैं ना, तो ज़्यादा खुश करना है ना गणपत बप्पा को, तो मोदक चढ़ाइए आप उनको, और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अब और क्या बताऊँ आगे आगे, हम चलो देखते हैं कैसे बनाना है मुझे इसको। यहाँ पे मैंने एक कप भर के मैदा ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा एक पिंच जितना सॉल्ट डालेंगे, नमक टेस्ट बहुत बढ़िया आता है इसको डालने से। अब इसमें हम मोयम देंगे, एक टेबलस्पून मैं यहाँ पे घी का मोयम दे रही हूँ, आप तेल का भी दे सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक टेबलस्पून। अब इसको बढ़िया मिक्स कर लेंगे हम, देखो इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके, रोटी का डो हम जिस तरह से लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा ये हार्ड होना चाहिए। डो को एकदम बढ़िया गुन लिया है, बहुत ज़्यादा गुनने की ज़रूरत नहीं होती है हमको, एक बढ़िया स्मूद कर लेना होता है बस। अब इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा घी लगा दिया, अब इसको हमें कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है रेस्ट पे। स्टफिंग हमें रेडी कर लेना है। यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने कद्दूकस कर लिया है, फ्रेश नारियल 3 टेबलस्पून है एकदम भर के। अगर मैं आपके पास फ्रेश नारियल ना हो तो आप सूखा वाला जो नारियल आता है उसको आप इस ड्राई फ्रूट्स के साथ मिक्स करके पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने पीसा है काजू बादाम पिस्ता का पाउडर बनाया है, वो भी कोर्सली बनाया है, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाया है, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं फ्रेश नारियल है तो आप फ्रेश नारियल ही यूज़ करना, क्योंकि इसका टेस्ट ना अमेजिंग आता है। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून लिया है फ्रेश खोआ, जिसको मावा बोलते हैं। अगर मैं खोआ आपके पास ना हो, जो दूध में मलाई एकदम थिक वाली पड़ती है ना, वो आप इस जगह पे ले सकते हैं 1 टेबलस्पून जितना। यहाँ पे मैंने 2 पिंच जितना इलायची का पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून पाउडर शुगर लिया है। यहाँ पे मैंने पैन रख दिया है, गरम हो गया है, ये नारियल को हम इसमें डाल देंगे। आप कच्चा भी नारियल सब कुछ एक साथ मिला के आप स्टफ कर सकते हैं मोदक में, पर ऐसे थोड़ा सा ना इसको भून के डालेंगे ना, टेस्ट जो है इन्हेंस कर देता है। इतना सा ही करने में, थोड़ा सा हमें इसको खाली भुनना है। इसको अराउंड 30 सेकेंड तक मैंने खाली भुना है मीडियम लो फ्लेम पर, और ये जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस के रखा था पाउडर बना के, इसको हम डाल देंगे। इसको भी हमें थोड़ा सा ही रोस्ट कर लेना है, और ये हमारा जो मावा है इसको भी हम डाल देंगे साथ में, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड हो गया है, फ्रिज में रखा था, तो ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। साथ में ही सब कुछ हम मिक्स करके भून लेते हैं, लेकिन शक्कर और इलायची का पाउडर हम बाद में डालेंगे। स्टफिंग में एकदम बढ़िया सोनापन आ गया है, अराउंड 1 मिनट तक मैंने भुना है मीडियम लो फ्लेम पे। आँच को हमने बंद करके इसको दूसरे बर्तन में निकाल करके इसको हमें ठंडा कर लेना है। स्टफिंग ठंडा हो गया है, अब इसमें इलायची का पाउडर और ये शक्कर डाल के हम बढ़िया मिक्स कर देंगे। देखो कितना अच्छा बाइंडिंग आ गया है, इसको जब हम डालेंगे ना स्टफिंग मोदक में, बनाना जब शुरू करेंगे ना, तो इधर उधर फैलेगा नहीं, इस तरह से छोटा छोटा बॉल्स बना के हम रख देंगे, हमारे लिए आसान हो जाएगा। आटा हमारा बढ़िया सेट हो गया, एक बार फिर से इसको हम स्मूथ कर देंगे। देखो कितना बढ़िया लचक आ गया ना रखने से, ये हो गया है। अब रख देंगे चकला, अब हम छोटी छोटी लोइयाँ काट के निकाल लेंगे, जैसे हम पूरी नहीं बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें इसकी लोइयाँ काट करके निकालनी है, एकदम बहुत पतला हमें इसको नहीं बनाना रहता है, पूरी जैसे हम बनाते हैं एग्जैक्ट वैसे हमें बनाना रहता है। इस तरह से हम चकई काट करके निकाल लेंगे, अब इसको हम बेल लेंगे। अगर मैं ऐसे ना बेले ना, तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं इसमें बिल्कुल। देखो इस तरह से हमने बेल लिया है, इसका थिकनेस आप देख सकते हैं, इतना थिक है ये।
अब इसमें हम ये जो बॉल बना के रखा है एक उठा के डाल देंगे। कितना आसान हो गया ना, इसको इधर उधर फैल नहीं रहा है। अब यहाँ पे हम पानी लगाएंगे क्योंकि इसको हमें फ्राई करना है। हमें पूरी तरह से ये मेक श्योर करना है कि तेल में जाते ही हमारा ये मोदक खुल ना जाए, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है। तो पानी लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखो, इस तरह से हमें पकड़ पकड़ के यहाँ पे ला के स्टिक करते जाना है। ये देखो, अच्छा ये हाथ से अगर मैं ना बना पाओ ना, तो इसका ना सांचा भी आता है, वो भी आप ले सकते हो। ये देखो, इस तरह से प्लेट्स बनाते जा रहे हैं, ला के यहाँ पे जोड़ दिया। अब ऐसे लग रहा है ना देखने में, ध्यान से देखना, ऐसे लग रहा है ना। अब इसको हमें पकड़ के लाना है ऊपर, इसको सील करना है, ठीक है। और इस तरह से हम इसको सील करेंगे। एकदम दबा देंगे ताकि ये बढ़िया एकदम स्टिक हो जाए। और ये हमारा मोदक बन करके रेडी हो गया है। ये देखो, एक मैं और आपको भर के दिखा देती हूँ। देखो, पूड़ी जैसा हमने बेल लिया, चारों तरफ हमें पानी ज़रूर लगा देना है, वो ध्यान से। अब ये डाल दिया हमने स्टफिंग, अब उठा के बस इस तरह से हम प्लेट्स बनाते जाएंगे। ये देखो, बहुत मेरी तरह से अगर मैं बनाएंगे ना, जिस तरह से मैंने स्टफिंग रेडी किया है ना, आप एकदम इत्मीनान से आप इसको भर पाएंगे। देखो, मैं एकदम आराम से भर रही हूँ, इधर उधर फैलने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ये बिखरा बिखरा खुला खुला रहता ना स्टफिंग, तो हमें भरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। तो ऐसे भरेंगे तो आप भी फर्स्ट टाइम अगर मैं बना रहे होंगे तब भी आप बना लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे देखो, ला के हमने इकट्ठा कर दिया। ये देखो, मोदक का शेप आ गया ना। ये देखो, चारों तरफ से देख लो, हमारा स्टफिंग और मैदा दोनों एकदम बराबर हुआ है। यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसको तेल या घी में आप इसको सेक सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये करना तेल या घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही मतलब जस्ट गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बस यही बोलूँगी। और इसको सेकना हमें मीडियम लो फ्लेम पे है, या तो मीडियम फ्लेम पे हम सेकेंगे, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं सेकेंगे। ऐसे हमने डाला मोदक, ऊपर से जो है हम इस तरह से तेल डालना शुरू कर देंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो शेप है ना मोदक का, ऊपर जो निकला हुआ है ना, वो ताकि हमारा ख़राब ना हो। ऊपर से इस तरह से तेल डालते रहेंगे ना, तो नीचे से तो सिक ही रहा है, ऊपर से भी सिक रहा है ना, जब हम पलटेंगे तो ये शेप हमारा मोदक का ख़राब नहीं होगा, मतलब टूटेगा नहीं। टूट भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर इस तरह से अगर मैं करेंगे ना, तो टूटने की संभावना थोड़ा कम रहती है। देखो, ऊपर से तेल डाल रहे हैं तो बढ़िया ऊपर भी कलर आ रहा है इसके। अब इसको हम थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, और इसको मध्यम आंच पे सेकने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि इस पे ना एकदम अंदर तक कुक होगा और बढ़िया कलर इसमें आएगा। तेज आंच पे सेक देंगे ना तो ये कच्चा रह जाएगा, पकेगा नहीं, क्योंकि ये मैदा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आप ध्यान देना, बहुत बारीक चीज़ बता रही हूँ। अब देखो, इस तरह से हमने साइड में पलट दिया है, और ये जो हमारा शेप है ना ऊपर का, ये टूटा नहीं। तो इस चीज़ पर आप ध्यान देना, एक बार में जितना आएगा उतना हम डाल लेंगे। पहले एक एक डाल के ना ऐसे हम कर लेंगे, क्योंकि एक साथ में दो चार डालेंगे ना तो तेल ऊपर हम नहीं डाल पाएंगे लगातार। तो ऐसे हम मेरी तरह से करना, एक हमने इसको ठीक कर लिया है, अब दूसरे पे हम वर्क करेंगे। ये भी जब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा ऊपर का, फिर हम तीसरा डाल देंगे। देखो, ये भी थोड़ा सा ऊपर से हार्ड हो गया है, अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे, ऊपर के साइड वो पके। अब तीसरा हम डाल देंगे, अब इसको भी हम ऊपर से तेल डालते रहेंगे। बस इसी तरह से आप सेकेंगे ना तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अब इसको हम सब एक साथ में उलट पलट कर एकदम बढ़िया लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको पकाएंगे। जैसे जैसे इसमें से सिकता जाएगा, वैसे वैसे हम निकालते जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक डाला है साथ में तो डाला नहीं है, पकने का टाइम भी अलग अलग होगा। ये देखो, इतना हमें इसको बढ़िया सेकना है, इतना ब्राउन हमें करना है। तो यहाँ पर हमने कुछ और निकाल भी लिया है, ये देखो, इसी तरह से हम बाकी का भी सेक करके निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारा मोदक बन करके रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया बना हुआ है। एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कैसा अंदर से लग रहा है।
और ये जैसे हम गुजिया नहीं बनाते हैं, गुजिया गुजिया ही बोलते हैं ना, थोड़ा सा फूलता है ना, शेप थोड़ा सा ख़राब हो जाता है फूलने की वजह से, क्योंकि मैदा है ना। तो मैं दिखा रही हूँ अंदर से कितना बढ़िया ये लग रहा है, एकदम अंदर तक बढ़िया कुक हुआ है। ये देखो गणेश जी ना एकदम बता रही हूँ खुश हो जाएंगे खा के इसको। इस तरह से आप लोग भी बना करके मोदक अपने गणेश जी को खुश कर सकते हैं। गणेश जी को तो हम खुश करते ही हैं इसको बनाकर, लेकिन हम भी खा के बड़े खुश हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा है कितना आसान है इसको बनाना। इस तरह से आप लोग ज़रूर बनाना, अपने गणपति बप्पा को गणेश जी को चढ़ा के खुश करना। रेसिपी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, से जो नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ। थैंक यू, बाय।